हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज के टॉपिक है लिशमान स्टेनिंग। तो आज हम आपको लिशमान स्टेनिंग के बारे में बताएंगे कि लिशमान स्टेनिंग का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं लैब में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। लिशमान स्टेन का यूज माइक्रोस्कोपी करने के लिए करते हैं, जिसमें हम लोग ब्लड में स्टेनिंग के लिए माइक्रोस्कोपी में यूज किया जाता है लिशमान स्टेन का। ये जनरली जो यूज होता है, इस क्या होता है ना कि ब्लड में जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, या और भी चीज़ें हैं जैसे मलेरिया पैरासाइट, ट्रिपाइनोसोमा, ये कुछ प्रोटोजोन और पैरासाइट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस स्टेन का यूज़ करते हैं। ये जो ये स्टेन मेथनॉलिक मिक्सचर बेस्ड होता है, इसमें मेथिलीन ब्लू और योजिन डाई कंटेनिंग होता है। ये इसके अंदर मेथिलीन ब्लू और योजिन डाइज होती है। प्रिंसिपल की बात करें तो लिशमान स्टेन जो होता है वो मेथिलीन ब्लू कंटेन करता है, जो कि एक बेसिक डाई होती है, लेकिन कलर एसिडिक कंपोनेंट का देती है। इसी तरह से योजिन डाई होती है, जो कि एसिडिक होती है, लेकिन कलर बेसिक कंपोनेंट का देती है। इस डाई ये जो डाइज होती है, इसको हम इस यूज करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। जो ब्लड में कंपोनेंट होते हैं अलग अलग तरह के, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए डाइज का यूज किया जाता है। लिशमान स्टेन जो होता है वो रोमानोवस्की स्टेन का ग्रुप से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है स्टेनिंग प्रिपरेशन। स्टेनिंग प्रिपरेशन करने के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, उसमें स्पेसिमेन में तो कैपिलरी ब्लड यूज़ करते हैं, जो कि एंटी कोगुलेट ब्लड होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो लैब में, तो आप अपनी थर्ड फिंगर से आप उसको प्रिक करके वहाँ से ब्लड ले सकते हो। दूसरा एपरेटस में जो चाहिए होता है वो क्लीन ग्लास लाइट चाहिए होता है, लैंसेट चाहिए होता है, स्पेटस लाइट, माइक्रोस्कोप और ऑयल। तो क्लीन ग्लास लाइट लेंगे, अगर नहीं है तो उसको क्लीन करेंगे टिश्यू पेपर वगैरह से। लैंसेट का यूज हम लोग प्रिक करने के लिए करते हैं ब्लड को निकालने के लिए, और स्प्रेडस लाइट स्प्रेड करने के लिए यूज करते हैं स्प्रेडस लाइट का। माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, जिसे माइक्रोस्कोपी करके सेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑयल इमर्शन का यूज करते हैं, क्योंकि जितनी भी स्टेनिंग लाइट होती है वो ऑयल में ऑयल इमर्शन में ही देखी जाती है 100x पे सेट करके। तो ऑयल लेते हैं, इसमें ऑयल जो यूज किया जाता है वो सिडार वुड ऑयल का यूज करते हैं। स्टेनिंग में लिशमान स्टेन यूज करते हैं, जिम्सा स्टेन यूज करते हैं। जिम्सा को हम लोग रिगेट के नाम से भी जानते हैं। डाइल्यूएंट्स जो यूज होता है वो डिस्टिल वाटर या फिर बफर सॉल्यूशन होगा जिसे वॉश करेंगे, जिसका पीएच 6.8 होता है। लिशमान स्टेन के कंपोजिशन है यहाँ पे। लिशमान स्टेन में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, एओजिन एजियो लिशमान पाउडर लेते हैं और एसीटोन टी एब्सोल्यूट अल्कोहल लेते हैं। इसको हम लैब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं। तो बनाते कैसे ये हम आगे की स्लाइड में बताते हैं आपको। इसको हम लोग क्या करते हैं, जिसमें मैंने दो कंपोजिशन बताया, एक पाउडर लिशमान स्टेन, दूसरा एसीटोन फ्री मेथाइल अल्कोहल। तो 0.2 ग्राम हम पाउडर लिशमान स्टेन लेंगे, जिसको 100 ml एसीटोन फ्री मेथाइल अल्कोहल में डिजोल्व कर लेंगे, उसे घोल लेंगे एक कॉनिकल फ्लास्क में लेके। फिर उसके बाद उसको 50 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे के लिए वार्म करेंगे, गर्म करेंगे, और उसके बाद उसे ठंडा करेंगे और फिल्टर कर लेंगे। इस तरीके से लिशमान स्टेन बना लेंगे। ब्लड फिल्म या फिर पेरिफेरल ब्लड स्मेयर लेते हैं, जो कि एक थिन लेयर ब्लड स्मेयर की थिन लेयर प्रिपेयर कर लेते हैं, स्लाइड के ऊपर बना लेते हैं, जो कि क्या होता है, फिर उसको स्टेन करते हैं, और स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोपी में अलग अलग तरह के सेल्स को एग्जामिन किया जाता है। स्मेयर प्रिपरेशन करने के लिए दो चीज़ें, पहले स्मेयर प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया था आपको कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये आपकी क्लीन ग्लास स्लाइड है, ये स्प्रेडर है। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये ब्लड की एक ड्रॉप है, तो कैपिलरी ब्लड ले लिया, जो कि एंटी कोगुलेटेड ब्लड है। ये स्प्रेडर को 45 डिग्री एंगल पे सेट करते हैं, और उसे फिर दूसरे स्टेप में पीछे की ओर लेकर आते हैं, जिससे ब्लड जो होता है इस तरीके से पूरा फैल जाता है पूरे में। फिर उसे धीमे से आगे की ओर स्प्रेड कर देते हैं। जब आगे से स्प्रेड करते हैं तो इस तरीके से शेप बन के आता है, आपको इसमें दिखाई दे रहा है, टंग शेप का होता है। और प्रिपरेशन तीन चीज़ें आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग टेल बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को बॉडी बोलते हैं, और आगे वाले पार्ट को हेड बोला जाता है। तो ये एक गुड स्मेयर प्रिपरेशन
प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है इसमें स्मेल अगर बनने में कुछ खराबी आती है तो वो बैड स्मेल बोला जाता है, वो एक उसकी क्वालिटी नहीं होती है। उसमें अगर आपको स्प्रेड करते समय बबल्स टाइप के आ गए हैं, एयर बबल्स आ गया है, या फिर बहुत ही ज़्यादा थिन हो गया है, या टंग शेप में नहीं आया है, तो वो जो आपका स्मेल होता है वो ख़राब होता है, वो स्टेन नहीं कवर कर पाता, उसमें सेल्स नहीं दिखाई देती, आरबीसी रपच्चर हो जाती है। तो एक गुड स्मेल के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक गुड स्मेल टंग शेप का होता है, जैसे कि इस पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल टंग शेप का है। इसमें एक स्मूथ टेल होती है, टेल ये बीच का पार्ट बॉडी और ये आगे का पार्ट हेड है, ये स्लाइड का पूरा एरिया कवर नहीं करेगा, ना ही ज़्यादा थिक होगा ना ही ज़्यादा थिन होगा, एक ग्रेजुअली ट्रांजिशन कवर करेगा। और इसमें होल्स नहीं आने चाहिए, पोर्स नहीं आने चाहिए, एयर्स नहीं आने चाहिए, एयर बबल्स टाइप के मतलब होल्स नहीं आने चाहिए। तो एक गुड कैरेक्टरिस्टिक जो होता है स्मेयर का, तो वो हमने आपको बताया कि टंग शेप में होना चाहिए और टेल एकदम स्मूथ होनी चाहिए, टेल स्मूथ होनी चाहिए, टंग शेप होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा थिन होगा, और ये पूरा एंटायर एरिया स्लाइड का पूरा एरिया कवर नहीं करेगा। तो अब हमारा स्मेयर बन गया है यहाँ पे। अब स्मेयर बनने के बाद अब हम स्टेनिंग करेंगे। इस तरीके का जो होता है स्मेयर वो थिक होता है, और इस तरीके का स्मेयर थिन होता है। स्टेनिंग करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमने ब्रेड फिल्म बना लेंगे, उसे एयर ड्राई कर लेंगे, उसे स्टेनिंग रैक में रख देंगे। जब वो एयर ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, तो उसको फिर हम मेथनॉल में 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि स्मेयर फिक्स हो जाए। मेथनॉल ले लेंगे, मेथनॉल अलग रखा हुआ, उसके अंदर डाल देंगे ये स्लाइड को पूरा, और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद उसे 2 मिनट निकालने के बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर स्लाइड के ऊपर डालेंगे, दो बार डालेंगे जब तक कि वो पूरा क्लियर ना हो जाए। मेथनॉल फिक्स करने के बाद क्या करते हैं, जब मेथनॉल फिक्स हो जाता है, फिर हम उसके ऊपर लीशमान स्टेन डाल देते हैं। लीशमान स्टेन डालेंगे 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए डालने के बाद क्या करेंगे, फिर डायल्यूटेड स्टेन डाल देते हैं उसके ऊपर। डायल्यूटेड स्टेन जो जाता है 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं डाल के, और उसके बाद जो है फिर हम उसे डिस्टिल वाटर या फिर टैप वाटर से वॉश कर लेते हैं, फिर उसे ड्राई कर लेते हैं, और ड्राई करने के बाद माइक्रोस्कोपी करते हैं। लीशमान स्टेन या अनस्टेन इसमें आ रहे, फिर उसके बाद हमने इसमें क्या डाल दिया है, लीशमान स्टेन डाल दिया है। लीशमान स्टेन डालने के बाद हम इसमें क्या डालें, डायल्यूटेड स्टेन डालते हैं। डायल्यूटेड लीशमान स्टेन के बाद जो पड़ता है वो डायल्यूटेड स्टेन पड़ता है 5 से 7 मिनट के लिए, टोटल 8 to 10 मिनट्स कवर करता है। उसके बाद टैप वाटर से वॉश कर लेते हैं। जब माइक्रोस्कोपी करेंगे तो माइक्रोस्कोपी में लिम्फोसाइट इस तरीके का दिखाई देता है, मोनोसाइट इस तरीके की दिखाई देती है, इसनोफिल सेल्स तरीके की दिखाई देती है, बेसोफिल्स ऐसे दिखाई देते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो इस तरीके से दिखाई देती हैं। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, अब हमारा लेशमान स्टेन, जैसे कि हमने बताया कि लेशमान स्टेन किस लिए करते हैं, अलग अलग सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये अगर अलग, अब लेशमान स्टेन में ये आरबीसी आपको दिखाई दे रही है, ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इजनोफिल, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल सारी सेल्स आती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स इस तरीके से दिखाई देती हैं, ट्राइलोब्ड होती हैं, बैसोफिल्स हैं, ये एजनोफिल्स हैं, ये मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, बाकी आरबीसी हैं, और कुछ छोटी छोटी बहुत छोटे छोटे पड़े रहते हैं पॉइंट्स में, वो प्लेटलेट्स होते हैं। ये प्लेटलेट्स हैं यहाँ पे, ये जो दिख रहे हैं ये प्लेटलेट्स हैं, और ये आरबीसी हैं, और ये लिम्फोसाइट्स हैं, ये मोनोसाइट्स हैं, ये बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, ये इजनोफिल्स हैं। तो माइक्रोस्कोपी में ब्लड को ब्लड का स्मेयर बनाने के बाद, लीशमान स्टेन करने के बाद, लीशमान स्टेन करने के बाद उसे क्या कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, सूख जाएगा, फिर उसे ऑयल इमर्शन में माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो इस तरीके की पिक्चर्स जो होगी इस तरीके की दिखाई देंगी। इसमें आरबीसी दिखाई देंगी, डब्ल्यूबीसी दिखाई देंगी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल्स दिखाई देती है।